हमारा देश विविधताओं का देश कहा जाता है, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग अपनी अपनी विशिष्ट पहचान के साथ इस दुनिया को आकर्षित करती रही है। इस ईश्वर प्रदत्त अलौकिक पहचान पर हम सबों को गर्व करना चाहिए। धर्म की परिभाषा क्या है? जो हम धारण करते हैं वही तो धर्म बन जाता है।
क्या हम सभी अपने अपने धर्मों का अनुपालन संपूर्ण मानवता की कल्याण के लिए करते हैं? यह एक यक्ष प्रश्न है। हम अपनी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को क्या देने वाले हैं? यह एक विचारणीय विषय है। आज हम सभी धर्मों को सामने रखकर लड़ने मरने को तैयार हैं। ऐसा क्यों? आज हमारी नई पीढ़ी उस दोराहे पर खड़ी है जहां उन्हें सटीक मार्गदर्शन मिलना चाहिए, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा, हमारा धर्म कलंकित हो जाएगा। हमारी प्रकृति समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं के रूप में चेतावनी देती रहती है। प्राकृतिक आपदाओं के समय हम सभी नफरत की दीवारों को तोड़कर एक साथ खड़े हो जाते हैं। क्या हम पुनः सुनामी, भूकंप, आंधी, तूफान जैसी विपदाओं का इंतजार कर रहे होते हैं पुनः एक होने के लिए? हम नौजवानों से अपील करते हैं कि आप मानवता के धर्म पर चलिए। अगर लड़ना है तो समाज में व्याप्त बुराइयों को उखाड़ने के लिए लड़ें, देश की आन बान शान और तरक्की के लिए लड़ें।